लाहौर में वफाकी कलोनी में जौहर टाउन में नामालूम अफराद ये तशद्दुद से एक शख्स जान से हाथ धो बैठा। मकतूल की बेटी का कहना है कि हमलावरों ने बताया कि वो बैंक मुलाजमीन हैं। वाकये के बाद 24 साल जख्मी बेटी जैनब को तिब्बी इमदाद के लिए जिनाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने मौके पर पहुंचकर शवाहद इकट्ठे कर लिए। CCPO बिलाल सदीक ने वाकये का नोटिस लेते हुए SP सदर से रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मी लड़की जैनब ने बताया कि मुलजमान ने हमला करते हुए कहा कि वह बैंक मुलाजमिन है, हमने कॉल की तो तुमने गालियां निकाली, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैनब ने कहा कि हमलावर ने मेरे सर पर कुछ चीज़ मारी जिससे मैं लहूलुहान हो गई, मैंने खुद को कमरे में बंद करके जान बचाई। सिवाए एक चैन के हमलावरों ने कोई चीज़ नहीं उठाई, वो सिर्फ हमें मारने आए थे। मकतूल शख्स के दामाद ने पुलिस को बताया कि इनके बीवी के नंबर पर कुछ दिनों से बैंक स्कीम से मुतल्लिक कॉल्स आ रही थी।